हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विहान। हिस्ट्री की मॉक सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का मॉक टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूं, इन टॉपिक्स के माध्यम से हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, एक भी लेक्चर्स ना छूट जाए, एक भी क्वेश्चंस ना छूट जाए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। फ्रेंड्स, ये मॉक सीरीज 3 होगी। जिसने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो ये है HPGK हब की टीम का नंबर। यहाँ पर आप डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं प्रोफेशनल्स के अंडर। MCQ नोट्स टेस्ट लेने के लिए भी आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, हर्षवर्धन की जीवनी का नाम क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाइलाइटेड क्वेश्चंस, बहुत बार एग्जाम में देखने को क्वेश्चंस मिल चुका है। फ्रेंड्स, अगर हम इस क्वेश्चंस की बात करें तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शंस नंबर ए, यानी कि हर्ष चरित्र। फ्रेंड्स, बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के सांस्कृतिक गद्य लेखक और भारत के कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के दरबार में अस्थाना कवि थे। बाणभट्ट के प्रमुख कार्यों में हर्षचरित्र और कादंबरी की जीवनी शामिल है। तो ये आपको तीनों के नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से जीवनी शामिल है, हर्षचरित्र, कादंबरी, हर्ष, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाणभट्ट के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस शासक को रंगीला कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो 2014 और 2016 के एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शंस नंबर ए, यानी कि मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह संगीत, सांस्कृतिक और प्रशासनिक विकास सहित कला का एक महान संरक्षक था। उसका कलम नाम सदा रंगीला था और उन्हें अक्सर मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर रहेगा, एनी बेसेंट के अलावा निम्नलिखित में से किसने भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नेशनल मोमेंट से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तहसील वेलफेयर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे कि आपको क्लियर है कि मॉडर्न हिस्ट्री की वेटेज वहाँ पर ज़्यादा रहने वाली है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। फ्रेंड्स, भारतीय होम रूल आंदोलन ब्रिटिश भारत में आयरिश होम रूल आंदोलन और अन्य घरेलू नियम आंदोलनों की तर्ज पर एक आंदोलन था। माना जाता है कि यह आंदोलन 1916-1919 के बीच 2 साल तक चला था। एनी बेसेंट और बीवी तिलक के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक मंच तैयार किया गया था। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपने सभी ने मॉक टेस्ट के रूप में सभी क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, पहले अपना आंसर जरूर सोचना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई है मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोथल। फ्रेंड्स, लोथल की खुदाई 1953 में आर राव द्वारा की गई थी। ये गुजरात में स्थित है और इसे मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है। पहला मानव निर्मित बंदरगाह और एक डॉकयार्ड, बीर मेकर फैक्ट्री, चावल की भूसी, आग की अल्टियां, शतरंज खेलना, फारस की मोहरे, संयुक्त दफनाने के साक्ष्य इस जगह के प्रमाण हैं। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं। मिट्टी का हल मॉडल से पाया जाता है, चलिए बताइए, बनावली, कालीवंगन, राखीगढ़ी या फिर मिथल, चलिए बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बनावली। बनावली हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के काल से संबंधित एक पुरातत्व स्थल है। यह सरस्वती नदी के बाएं किनारे पर है
हल का खिलौना मॉडल बनावली में पाया जाता है, ये याद रखना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुगल शासक जजिया किसके शासनकाल के दौरान लगाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिला है। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शंस नंबर बी, औरंगजेब मुगल शासक के दौरान जजिया फिर से लगाया गया। ठीक है, मुगल साम्राज्य सभी ने अच्छे से पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बताइए, किसी का भी क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शंस नंबर सी, सर चार्ल्स मेटकॉफ। फ्रेंड्स, 1835 में सर चार्ल्स मेटकॉफ ने लॉर्ड विलियम बेंटिक को परिषद का वरिष्ठ सदस्य बनाया। लॉर्ड मेटकॉफ को इंडिया प्रेस का लिबरेटर भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच विभाजन सूरत कांग्रेस के 17वें वर्ष में हुआ था। चलिए बताइए, नरमपंथी और चरमपंथियों के बीच में यहाँ पर बात हुई है। फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज ऑप्शंस नंबर सी, 1907। आई होप सभी का क्वेश्चंस क्लियर हुआ होगा। 1885 में स्थापित की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1907 में मुख्य रूप से कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में चरमपंथी और नरमपंथियों ने दो समूहों में विभाजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट, यदुराय को किस वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बताइए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस नंबर बी, वाडियार डायनेस्टी। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, वाडियार राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप में एक हिंदू यदुवंशी राजवंश था, जिसने 1399 से 1950 तक मैसूर राज्य पर शासन किया था। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के बाद राज्य को भारत के डोमिनियन में शामिल किया गया था। क्लियर, इन क्वेश्चंस को याद करिए। फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ लेने के लिए आपने लिखना है हिस्ट्री मॉक सीरीज 3, या फिर आप लिख लीजिए पीडीएफ 3। ठीक है, क्या लिखना है, पीडीएफ 3। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। फॉर्म किस राज्य का लोक नृत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा ये। चलिए जल्दी से बताइए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शंस नंबर बी, यानी कि नॉर्मलैंड में फॉर्म जनजाति के लोग फॉर्म लोक नृत्य करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसका सही आंसर होगा नागालैंड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस्टेक है, नागालैंड होगा। ठीक है, नागालैंड में फॉर्म जनजाति के लोग फॉर्म लोक नृत्य करते हैं। फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना है, ये है HPGK हब की टीम का नंबर, यहाँ पर व्हाट्सअप करना है MCQs टेस्ट सिलेबस लेने के लिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक को पेज को लाइक करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।